हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल सबके। आज किस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की, कि नंबर सिस्टम क्या है और कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं और कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम में काम करता है। इन सब चीजों को लेकर के आज की हमारी चर्चा होगी। लेकिन मैं आपको नंबर सिस्टम को पढ़ाऊं और नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दूं, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकेस आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से आपको लेक्चर में जो भी लॉजिक समझाया जाएगा या जिस भी चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या क्या है और कौन कौन से नंबर सिस्टम कंप्यूटर में अवेलेबल है जिनको हमको पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम देखिएगा आप, जो नंबर सिस्टम हो बेसिकली हमको चार नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। एक है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ना और एक हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना। आज का ये लेक्चर जो है वो हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन लेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और कौन कौन से नंबर सिस्टम है, उनमें कौन कौन से नंबर होते हैं जो जो नंबर सिस्टम है। तो बहुत ज्यादा ब्रॉड लेक्चर नहीं है, ये छोटा सा लेक्चर है, इसमें केवल हम लोगों को डिस्कस करना है कि हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम है जिनको हमको आगे पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, और इस डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल जो है 10 नंबर्स होते हैं, और वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं आपके 0 to 9 नंबर होते हैं। ये 0 to 9 जो नंबर्स हैं, 1 से नहीं, ये 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, 0 to 9 जो भी नंबर्स हैं ये आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। इसका मतलब है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में सब मिला जुला के 10 संख्याएं होती हैं, और वो कौन कौन सी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 नंबर हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। और जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बेसिकली कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ही सारे कार्य करता है। जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी में कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होता है। लाइक हम कोई भी डेटा, चाहे वो हमारा फाइल हो, फोटो हो, एनीथिंग, अगर आप कुछ भी जो कि आप कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। इवन कंप्यूटर में सारे काम 0 और 1 अर्थात बाइनरी फॉर्मेट में ही होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके 2 संख्याएं होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, 0 और 1 है। तो इसमें 2 संख्याएं हैं, इसमें 10 संख्याएं हैं। और जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेसिकली 8 संख्याएं होती हैं, और कौन कौन सी संख्याएं हैं, 0 to 7। 0 to 7 जो नंबर्स हैं ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में पाए जाते हैं। और जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें टोटल 16 संख्याएं होती हैं, लाइक 16 नंबर, वो कौन कौन से हैं आपके, इसमें होते हैं 0 से ले, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ जो आपकी संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, 16 संख्याएं हैं। तो वो 16 संख्याएं कौन कौन सी होंगी आपकी, 0 to 9 होता है ये, जो कि आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में भी होता है, ये 0 to 9 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी है। लेकिन आगे जो 10 होता है, तो 10 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और 11 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और 12 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और 13 को हम लोग डी से, 14 को हम लोग करते हैं ई से, और 15 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो आपकी जो टोटल नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वो है 16 संख्याएं टोटल नंबर है, और 0 to 9 ये जो 10 नंबर्स हैं ये तो एज इट इज रहते हैं, जैसे कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 संख्याएं होती हैं, उसी तरीके से 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी हैं। लेकिन यहाँ जो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 है, इनको हम लोग अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक 10 को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, और 14 को ई से, और इसी तरीके से आप 15 को रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। तो यहां पर टोटल जो है 16 संख्याएं हैं, और कौन कौन सी, 0 to 9 और 10 to 15 जो आपके हैं, इनको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ए से लेकर के आप एफ तक के समझ सकते हो। तो अभी हमको टोटल जैसे इसमें है 0 to 9 में, अब अगर बात करें कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप बात करेंगे तो आपके पास 10 संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी है, 0 से लेकर के 9 तक की। अब अगर आप बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसमें है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके केवल 2 संख्याएं हैं, 0
और वन। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है तो आप इसमें देखेंगे जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, आपका फोर है, इसमें फाइव है, सिक्स और सेवन, इसमें टोटल एट नंबर्स। और जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें आपके टोटल 16 नंबर्स हैं और कौन कौन से हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट के और उसके बाद आपका नाइन, उसके बाद हम लोग टेन को टेन नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई और एफ। तो आप देखेंगे यहां पर 16 संख्याएं हैं किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, वो नाइन, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो इसमें टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 16, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। तो 16 संख्याएं हैं आपकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें कि जितने नंबर हैं इसमें कितने नंबर हैं, 10 नंबर्स हैं। तो इस जो नंबर सिस्टम होगा इसका जो बेस है या जो आधार होगा वो हो जाएगा 10। इसमें दो संख्याएं हैं, इसका जो बेस है या आधार जिसको आप बोलते हैं वो है 2। इसमें जो टोटल नंबर्स हैं वो है 8 और इसका जो बेस होता है वो होता है 8 और इसका जो बेस है वो 16 है। इसमें टोटल 16 संख्याएं हैं तो इसका जो बेस होगा वो 16 होगा। तो आगे के लेक्चर में हम लोग इसमें और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें आप लोगों ने चार नंबर सिस्टम के बारे में जाना, चार नंबर सिस्टम में कितनी कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं इसके बारे में आपने जाना। ये पूरी संख्या आपकी किसमें है, ये है डेसिमल में। दूसरा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में है दो संख्याएं और इसमें है 8 संख्याएं और इसमें है 16 संख्याएं। इसमें टोटल है 10 नंबर्स, इसमें है 2 नंबर्स और इसमें है आपके 8 नंबर्स और इसमें है 16 नंबर्स। तो आगे का लेक्चर जो होगा वो कल होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्जन वगैरह करते हैं, एक नंबर सिस्टम के नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे बदलते हैं, इन सब चीजों को लेकर के अब आगे के लेक्चर्स में चर्चा होगी। और इस लेक्चर को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से नंबर सिस्टम हैं, उनमें कितनी संख्याएं होती हैं और किस नंबर सिस्टम का क्या बेस है, ये आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और जब भी आप वीडियो देखें तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।